बट रमीज, कहाँ से सफर शुरू हुआ आपका इस बॉडी बिल्डिंग का, कहाँ से शौक शुरू हुआ और उसके बाद अब आप गोल क्या देखते हैं? एक्चुअली मेरा तो करियर, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फास्ट बॉलर था मैं, बहुत कम मेरा वेट उड़ा था और मैं अंडर 19 तक खेला हूँ और PIA क्रिकेट अकेडमी से बहुत अच्छा मेरा एक वक्त चल रहा था। उन दिनों में एक सिलेक्शन होनी थी, बस वो चीफ सेलेक्टर्स आने थे, एक मैच था उसमें मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट। तो मेरे फादर ने कहा कि तुमने जाना नहीं है, पेपर देने जाना है। तो वो मैं ज़िद करता रहा, मेरी अम्मी एग्री हो गई थी, तो उन्होंने वो किट शिट जला दी और फिर वो ख़त्म हो गया मामला। फिर एग्ज़ाम के फौरन बाद मैं जिम जाने लगा और क्योंकि मैं रेसलिंग से बड़ा इंस्पायर था तो ज़ाहिर है फिर वो जिम जाने लगा। जिम में मुझे मेरे कोच जो थे उनकी डेथ हो गई, जो हमारे एरिया के थे, वो मुझे लेके गए, उन्होंने बोला आओ मैं तुम्हें एक इवेंट दिखाऊं, कंपटीशन। मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने उस वक्त से सफ़र शुरू किया, तो फिर मैं सबसे पहले मेरी फोर्थ पोजीशन आई, फिर मैंने और मेहनत की, कराची लेवल में मेरी सिक्स पोजीशन आई। मैं रोने लगा बैठ के कि यार ये क्या, मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैंने तो डाइट भी की, सब कुछ किया, फिर भी मेरी सिक्स पोजीशन आई। तो फिर मैंने एक अच्छा कोच हायर किया, उससे ट्रेन हुआ। फिर मैं जो 2009 से प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर आया और 2009 से आज तक फिर अल्लाह का शुक्र है कोई इवेंट नहीं हारा, कहीं डिफीट नहीं हुई मुझे। फिर अब इंटरनेशनली जाता हूँ, एशिया में भी सिल्वर मेडल हुआ, वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन ली, लास्ट ईयर उज़्बेकिस्तान भी गया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वो कुछ मिसहैप हुए, तो अब नेक्स्ट इवेंट है इंशाल्लाह वियतनाम में है, मालदीव्स में है, इस्लामाबाद में एक IFBB प्रो चैम्पियनशिप होने वाली है, उसकी प्रेप है इंशाल्लाह। तो डे बाय डे सक्सेस मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है।